कोई अपनी कार पे गुजर लिखे, जाट लिखे, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, गुप्ता, गोयल, सब चीजें लिखते हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस तक जाते होंगे सर, आपको 1000 इश्यूज रोड पर दिखाई देते हैं, आपको बेगर्स दिखाई देते हैं, आपको कोई सड़क पे साइड में औरत भी पिटती हुई दिखाई दे जाती है बहुत बार, आपको क्रिटिकल एक्सीडेंट्स दिखाई दे जाते हैं, आप उसके ऊपर ट्वीट करते हैं ना सर, रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग आपकी। तो सर मेन बात है ये कि हमारे देश में उठाने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। चुप हो जा सातवीं फेल। या देखो इस गाड़ी के पीछे कितना अच्छा लिखा हुआ है, डियर गॉड इफ आई हर्ट अदर्स गिव मी द स्ट्रेंथ टू अपोलोजाइज एंड इफ अदर्स हर्ट मी गिव मी द स्ट्रेंथ टू फॉरगिव, हरे कृष्णा। इसके पीछे वाली गाड़ी पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गब्बर सिंह महाकाल। वाह क्या बात है सर। तो दोस्त जो अभी आपको मैंने चीज़ बताई कि गाड़ी के पीछे ऐसा लिखा है, वो हमने बहुत फन में बात की और बहुत मज़ा आया, अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेरी जगह यहाँ पर सुधीर चौधरी जी बैठे होते तो वो इसके ऊपर ट्वीट कर देते, ये हमारा नेशनल इशू बन जाता। जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया है हर्ष गुजर और उनकी कार के ऊपर पुलिस भी लिखा हुआ है, उन्होंने हर चीज़ को पॉइंट आउट किया, आपका नाम हर्ष है हम क्या करें, आप गुजर हैं हम क्या करें, आपकी कार के ऊपर पुलिस लिखा है हम क्या करें भाई, और आपने क्यों लिखा है, दिस इज़ इलीगल। बिल्कुल सर इलीगल है ये, नहीं लिखना चाहिए और पुलिस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस का पार्ट है। आप जैसे रिपोर्टर को मैं बोलूँगी जो इतने ज़्यादा सेंसिबल हैं, अपने आप को इतना, आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं, जी न्यूज़ DNA को आप रिप्रेजेंट करते थे कुछ टाइम पहले, तो आपसे हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की उम्मीद करते हैं। ये सब चीज़ें आई थिंक आपके लिए बहुत बड़ा इशू होगा, नॉर्मल जनता के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और ये इसके ऊपर एक्शन लेना पुलिस का पार्ट है, आपका पार्ट मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आपका पार्ट, आप बिलोंग करते हैं प्रेस से। आपने सर अपनी गाड़ियाँ देखी हैं कभी, जो आप लोगों की इतनी सारी गाड़ियाँ हम लोग नोटिस करते हैं आपकी कम्युनिटी में, जहाँ पर प्रेस आगे भी पीछे भी हर जगह लिखा होता है, आपने बोला कि आपको हर्ष गुर्जर का कुछ नहीं जानना, आपको कोई मतलब नहीं है, तो भैया हमें भी प्रेस का कुछ नहीं जानना, हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों आपने जगह 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 प्रेस लिख रखी है। तो सबसे पहला सवाल तो आपकी ही कम्युनिटी के ऊपर आ गया है, उसको क्यों नहीं रेस किया सर आपने, ये जवाब दीजिए। दूसरा पॉइंट आता है ये जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा उसका आइडिया दिया कि यार हम आपसे ना सर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की, सेंसिबिलिटी की, इंफॉर्मेटिव न्यूज़ की, या ऐसे इशूज़ की उम्मीद करते हैं जो आप हाईलाइट करें जिससे हमारी नॉर्मल जनता परेशान है, लेकिन ऐसा कुछ आपने नहीं किया। यहाँ पर आपने जो इशू हाईलाइट किया उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जनता परेशान है। हर्ष गुजर हैं उससे कौन परेशान हो गया, उन्होंने अपने शीशे पे लिखा उससे कौन परेशान हो गया, वो पुलिस में हैं उससे कौन परेशान हो गया, मतलब ये क्या चीज़ थी आपकी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपके ब्रेन पर यहाँ पर थोड़ा डाउट हुआ सर। चलिए सर अब आप बात कर लेते हैं आपके न्यूज़ की। जो न्यूज़ हम लोग सोचते हैं, जो प्रेस हमें दिखाता है या आप जो हमें चीज़ें बताते हैं, वो न्यूज़ वही होता है ना कि किसी का कोई इशू है, उसने आपने उस चीज़ को एज इट इज़ पिक किया और वो हम लोगों के सामने हाईलाइट किया। जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कॉन्टेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। अरे सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा आप लोग न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन आप तो कंटेंट बनाते हैं, आप मसालेदार चीज़ें लाते हैं जिसमें जनता को मज़ा है, किसी की भलाई हो ना भलाई हो उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सर अब मेरे सामने देखिए एक गाड़ी जा रही है जिस पर डिफेंस लिखा, ई हट गया उस पर से, लेकिन उन्होंने डिफेंस मेंशन किया है। कितनी मुझे इसके ऊपर दिक्कत होनी चाहिए कि अरे मैं क्या करूँ, आप डिफेंस में थे या हो या जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई अपनी कार पे गुजर लिखे, जाट लिखे, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, गुप्ता, गोयल, सब चीज़ें लिखते हैं, मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा इशू है जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। आप अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस तक जाते होंगे सर, आपको 1000 इशूज रोड पर दिखाई देते हैं, आपको बेगर्स दिखाई देते हैं, आपको कोई सड़क पे साइड में औरत भी पिटती हुई दिखाई दे जाती है बहुत बार, आपको क्रिटिकल एक्सीडेंट्स दिखाई दे जाते हैं, आप उसके ऊपर ट्वीट करते हैं ना सर, रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग आपकी, लेकिन आपने एक नॉनसेंस सी चीज़ को हाईलाइट किया। आई एग्री कि वो गलत है और उसके ऊपर पुलिस को स्टेप लेना चाहिए, लेकिन आप जैसा सेंसिबल आदमी उस चीज़ को किस लिए हाईलाइट कर रहा है भाई, वो हमें किसी को भी किसी तरीके से समझ नहीं आया। तो सर मेन बात है ये कि हमारे देश में उठाने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर एजुकेशन इलिटरेसी लेवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसे आप उठा सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, क्राइम अगेंस्ट लेडीज़ हो गया,
बच्चों के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स हैं, आप वो सब चीज़ें, ब्राइब भी बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, करप्शन बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे होने, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए छोड़िए, इसके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो सारे देश को ही पता है। अब आपका कुछ और चीज़ें, हमने भी देखा यार कि इतना हाईलाइट कर रहा है कोई बंदा, उसके लिए इतना नेशनल इशू है, तो उनके लिए और नेशनल इशूज क्या क्या होते हैं या किन चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं, तो उसके लिए भी एक क्लिप देखिए आप। NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। चुप हो जा सातवीं फेल। तो सर अगर आपके लिए 2000 के नोट में चिप है और अगर वो इतने गहरे में भी कहीं गड्ढे में भी दबा देंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा 2000 का नोट दबा हुआ है और वो आपके लिए मुद्दा है, उसे आप नेशनल टीवी पे दिखा रहे हैं, तो सर हर्ष गुर्जर का जो इशू है ना वो तो बिल्कुल बनता है भाई, उसे आप किसी हालत में मिस नहीं कर सकते थे। अब तो मैं एक्सेप्ट कर गई, अब तो सीरियसली आप जिस लेवल के न्यूज़ वगैरह करते हैं आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है। हर्ष आपने क्यों गुर्जर लिखा दोस्त, आपने क्यों वहाँ पे पुलिस सब लिख दिया, देखा कितना बड़ा बवाल हो गया, पूरा देश डिस्टर्ब हो गया आपकी वजह से। सबसे ज़्यादा तो हमारे चौधरी जी हो गए, सर मैं भी चौधरी हूँ वैसे मगर मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो हर्ष आपको तो ये बोलना चाहूँगी दोस्त कि देखिए ये हर्ष गुर्जर आपने लिखा, पुलिस आपने लिखा, या फिर बाकी लोग भी लिखते हैं, जाट कम्युनिटी के लोग भी लिख देते हैं, राजपूत भी लोग लिखते हैं, मैंने आपको बताया यादव गुर्जर सब लोग मतलब लिखते हैं, ये चीज़ हम लोग लिखते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन यस कानून के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ इलीगल, ये अलाउड नहीं है, हम नहीं लिखना हमें चाहिए। वो काम मुझे लगता है पुलिस का है कि पुलिस किसी की कार रोके और बोले कि भैया इसको हटा दीजिए, लेकिन ये नेशनल इशू नहीं था कि आप किसी की कार का नंबर पब्लिकली दिखाएं लोगों को, ट्विटर पे उसको हाईलाइट करें। सर आपने, सुधीर जी यहाँ पर प्राइवेसी वायलेशन किया, आपने उनकी पूरी प्राइवेसी को सारी दुनिया के सामने ऐसा हाईलाइट करके क्राइम की तरह दिखाया है कि यार कितना बड़ा गुनाह हो गया, वो इतना बड़ा गुनाह मुझे लगता नहीं है कि वो एक फॉल्ट है, एक गलती है जिसको करेक्ट किया जा सकता था, बहुत छोटे से लेवल पे पुलिस का काम था, ये आपका काम नहीं था उसे इस तरीके से पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट करने का। तो चलिए ये बात तो गुर्जर कम्युनिटी की थी जिसको इन्होंने इस तरीके से हाईलाइट किया, वो तो बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है यार और मुझे लगता है कि वो बहुत स्मार्टली इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, और बाकी कास्ट के लिए भी सेम ही है, यहाँ पर कोई कास्टिज्म वाली चीज़ नहीं चल रही, अगर किसी भी चीज़ को हाईलाइट किया जाता है तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर इतने हल्के में कोई नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट कर देंगे, दबाने की कोशिश करेंगे और वो इजीली होता है, कानून की तरीके से चीज़ें की जाती तो ज़्यादा अप्रिशिएबल होती, इस तरीके से ह्यूमिलेशन की तरह किया गया है वो नहीं पसंद किया जाएगा। और इनका माइंड सेट सिर्फ इनके लिए ही नहीं कि मैं बोलूँ कि सिर्फ हर्ष गुर्जर को इन्होंने टारगेट किया, भाई ये सबको करते हैं, अगर हम दिल्ली वालों की भी बात करें तो ये उनको भी नहीं छोड़ते हैं। एक बार ये क्लिप देखो। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहाँ पर लगी हुई है, जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहाँ पर लगी हुई है। दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। तो सुधीर जी ना ही हम लोग आलसी हैं, ना ही हम लोग फ़ोन से चिपके रहते हैं और ना ही हम लोग फ्री की रेवड़ियों के लिए वोट डालने जाते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं, अपने जो हमें लगता है जिसको हमने पूरा एनालाइज़ किया होता है कि ये जनता के लिए काम करेगा उस आदमी को हम लोग वोट देते हैं। आप किसके सपोर्ट में आके किन कितने पैसों के लिए क्या बकवास कर देते हैं वो राइट आपको बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को तो चेक करो यार दूसरों को चैलेंज करने से पहले। तो हम सबको प्यार करते हैं, हम मोदी जी को भी प्यार करते हैं, हम केजरीवाल जी को भी प्यार करते हैं, तो ये आप नहीं बताओगे जनता को कि हमें किसे वोट देनी है किसे नहीं देनी है या हमें वोट देनी नहीं आ रही, तो वो चीज़ें आप मत कीजिए, अपना छोटा दिमाग अपने पास रखिए, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। और ये जिस लेवल पे आप बैठ के बकवास कर रहे हैं ना, मुझे तो उसी लेवल की परेशानी होने लग गई है कि यार आप जैसे लोगों को बिठा कैसे देते हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा शब्दों को चूज़ करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए, हम ही लोग हैं जो आप लोगों को बनाते हैं और हम ही लोग हैं जो उठा के ऊपर से सीधा नीचे पटक देंगे। भाई नेक्स्ट बात करते हैं कि यंगस्टर्स को भी नहीं छोड़ा इस आदमी ने, ये तो उनकी भी जान के पीछे पड़ गए हैं, ये कहते हैं कि उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, वो बिल्कुल इजी जॉब करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हो, क्यों
जो तुम लोग इतने लोग तैयारी कर रहे हो ना सरकारी नौकरी के, क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें घूस खानी है, तुम्हें ब्राइब चाहिए, तुम लोग रिश्वतें लेना चाहते हो, इसलिए तुम लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हो। एज पर इनके हिसाब से यही हो रहा है। ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। सुधीर जी, आप मतलब आप सीरियसली, कुछ दिक्कत है क्या आपके साथ? या आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है, आप उसे पढ़ के बोल देते हैं? तो चलिए सर, अब मैं क्या ही बोलूँ आपके बारे में, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने बातें की है, आप देख ही रहे होंगे सब लोग, मैं क्या बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सब मिलजुल के आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि सर थोड़ा सा आपको आई थिंक रेस्ट की ज़रूरत है या थोड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा करा लीजिए इलाज सर, दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सुधीर चौधरी ठीक हो, पूरा देश ही गलत हो गया है। यहाँ पर जो हमारा यूथ है वो बिल्कुल, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, वो गधा है, वो रिश्वतें लेने की तैयारी कर रहा है। बाकी जो हमारी जनता है, जो उन्हें वोटिंग सिस्टम नहीं आता, हम लोगों को किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन सुधीर जी को सब कुछ आता है। हर्ष ने गुजर लिख दिया, भाई इतना बड़ा क्राइम हो गया। हर्ष, क्यों किया भाई तूने, इतनी बड़ी गलती कर गया ऐसे दी, सुधीर जी को ट्वीट करना पड़ गया, देख लो। तो बस क्या ही बोलूँ सर आपके लिए, मगर आपका मुझे लग रहा है आप कर सकते हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको, आपके लिए मुझे लग रहा है हम लोग थोड़े दिन में एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार अच्छा उनका ट्वीट आया ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलता है चलता है। यही माइंडसेट आने वाला है। लेकिन बोलूँगी मैं आपको फिर से कि बहुत अच्छे मुकाम पर आपको पहुँचाया है लोगों ने, हम पसंद करते थे आपको कुछ आपकी अच्छी बातों के लिए, लेकिन जो आप चीज़ें अजीब सी अब करने लग गए हैं उनके लिए, हर चीज़ की हर टाइम पर सर एक्सेप्टेंस नहीं होती, गलती हो जाती है। तो आप अपनी गलती को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो तो मेरे को लगता है कि प्रेस से बिलोंग करते तो एक्सेप्ट तो आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। चलिए, मैं तो जा रही हूँ एक इवेंट में, और करते हैं हम लोग पार्टी थोड़ी सी सुधीर सर के लिए भी। पार्टी वाली जगह पर जा रहे तो दुआ नहीं मांग पाएंगे, लेकिन यार सर मन में हमारे है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। गेट वेल सून सर, बाय।